हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी इज रेस्पेक्ट आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। इन दोनों ट्राइंगल को ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। क्या गिवन है हमको, ए बी अपॉन साइज प्रोपोर्शनल में, ए बी किसके प्रोपोर्शनल में है, पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन किसके दिया हुआ है, पी एम। ये प्रोपोर्शनल गिवन है हमको, क्या प्रूफ करने का है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्रूफ, जो गिवन है उसी को ले लेते हैं। क्या गिवन है, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो छोटे ट्राइंगल हैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इनको प्रूफ, कुछ नहीं, बस जस्ट सेम लेने का है, जो बीसी है क्योंकि ए डी मीडियन है, तो बीसी की जगह क्या रख सकते हैं, टू बी डी, ठीक है, यहां से यहां तक। ऐसे क्यू आर की जगह क्या रख सकते हैं, टू क्यू एम। दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी की जगह क्या रख दिया, टू बी डी, और क्यू आर की जगह क्या रख दिया, टू क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यहां पर लिखना था गिवन, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है हमको, गिवन है, ठीक है। अब ये क्यों किया हमने, यहां ऐसे लिखे दिखा दीजिए, बीसी इज इक्वल टू टू बी डी और दूसरा क्यू आर इज इक्वल टू टू क्यू एम। रीजन, बिकॉज ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास में, मीडियंस है। अभी टू से टू कटअप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तीनों साइड्स, कौन कौन सी साइड, ए बी पी क्यू आ गया, बी डी क्यू एम आ गया और ए डी पी एम आ गया, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल इसके आ गया पी क्यू एम। कौन सा रूल लगा, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SSS सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो कौन सा एंगल, एंगल बी, एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा, कौन सा, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख के दिखा सकते हैं यहां पर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब आगे क्या करने का है, जब दोनों एंगल तो सिमिलर है ही है, अब क्या, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर में क्या है, साइज प्रोपोर्शन में कौन सी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या है, क्यू आर, ये हमें गिवन है और एंगल इक्वल हमने प्रूव कर दिए हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कहां से आया, इक्वेशन वन से, ये इक्वेशन वन है हमारी, ठीक है, साइज प्रोपोर्शन में उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या आ गए, सिमिलर आ गए, सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। कौन सा रूल लगा, एसएएस, कौन से रूल से कर सकते हैं, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया,
से प्रूव कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन छोड़ के और आएगा ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 14, वो थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है लेकिन वो बहुत अलग क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो है थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखा है लेकिन उसमें बहुत कुछ अलग है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है, इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, दो एंगल इक्वल गिवन है हमको, और ये प्रूव करने का सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी और डॉट सी डी। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और बी सी पर एक पॉइंट गिवन है क्या डी, बी सी पर डी पॉइंट गिवन है, फिर एंगल कौन से इक्वल गिवन है ए डी सी, कहा है ए डी सी, ये वाला जो एंगल है ए डी सी किसके इक्वल गिवन है बी ए सी के, बी ए सी ये पूरा बड़े एंगल के इक्वल गिवन है। तो हम क्या करेंगे ये पार्ट प्रूव करने के लिए, ये जो एंगल दिया है ना इसी का ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ए डी सी इसको ए बी सी के सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ कर सकते, देखो एक एंगल तो इक्वल गिवन है और एंगल सी क्या है दोनों में कॉमन है, ए ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, गिवन क्या गिवन है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, और राइट अप कर सकते हैं आप टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये हमें प्रूफ करने का है, प्रूफ प्रूफ में क्या करेंगे इन ट्राइंगल विच वन ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखो बड़े ट्राइंगल का नेम क्या लिया हमने ए बी सी लिया, तो ए ए के इक्वल कौन सा एंगल है डी, तो डी लेंगे पहला नाम, फिर बी 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 कौन सा एंगल है बी है नॉन कॉमन एंगल, जो कॉमन नहीं है उस वाले ट्राइंगल में है ही नहीं, तो इस छोटे ट्राइंगल का कौन सा एंगल है जो बड़े में नहीं है ये वाला ए, और थर्ड क्या है कॉमन एंगल, यहां भी सी लिखा है तो सी का कॉमन एंगल है तो सी, तो डी ए सी लिखेंगे हम यहां पर, ये नेमिंग ही सही होनी चाहिए, अगर नेमिंग सही है तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने नेमिंग ऑर्डर में नहीं की तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या है एंगल व्हाट वन विच वन बी ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है बी ए सी एडीसी के, ये क्या है गिवन है हमको, फिर दूसरा एंगल क्या है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी गिवन है, क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी, कौन सा रूल लगा ए ए सिमिलैरिटी, ए ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने वाली है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी साइड लेनी है हमको, सी ए लेना है एक, तो क्या सी ए लेना है और दूसरा क्या लेना है बी सी लेना है, बी सी लेना है, तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं, इसका मैं क्या ले रहा हूं पहले सी ए, बड़े वाले ट्राइंगल का सी ए लूंगा तो छोटे ट्राइंगल का क्या आएगा सी डी आएगा इज इक्वल टू, एक तो सी ए लेना था और एक बी सी लेना था, अब मैंने बड़े ट्राइंगल का क्या लिया साइड बी सी यानी सी बी लेना था, सी बी लेना था तो सी बी अपॉन, अब यहां देखो क्या है सी बी अपॉन क्या आएगा फिर सी ए आ रहा है, मैं लास्ट के दो लेटर लिए तो इसके भी लास्ट के दो लेटर ले लिए हैं, किसी भी एक ट्रायंगल को चूज कर लो, यहां से क्या करना है हमको किसी एक ट्रायंगल की साइड्स कौन सी है वो राइट अप करेंगे ऊपर, दूसरे ट्रायंगल के ऑटोमेटिक आप यहां से ले सकते हैं ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड्स आ रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट सी ए को एल एच एस और साथ में लिख सकते हैं क्या है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहां आपको राइट अप करने का है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या देगा ये सी ए सी ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमें प्रूव करना था सी बी डॉट सी डी, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये भी पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं, ठीक है।
आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट के टू क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप खुद से सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन बचता है 14, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, है ना। 15 और 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करें, नेक्स्ट लेक्चर में 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।